पहले हम नूडल्स बॉईल करेंगे, तो पानी ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा ऑयल ताकि नूडल्स आपस में ना चिपके, और मैंने यिंग यांग का नूडल्स लिया है, वेज हाका नूडल है, आप चाहे तो कोई भी हाका नूडल ले सकते हैं, पर आपको ये नूडल्स चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और हम जैसे ही बॉयल वाटर बॉयल होना चालू हो जाए हम नूडल्स उसमें डाल देंगे, इसे बीच बीच में चलाते रहिए, इसको फुल कुक नहीं करना है, इसको 90% कुक करना है, ज़्यादा पक जाने से आपका जो नूडल्स है वो वॉक में हो या तो पैन में हो चिपक जाता है। ये देखिए और नूडल्स काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुका है, हम इसे स्ट्रेन करके अब इसे एक फ्लैट, आप कोई भी फ्लैट सरफेस में इसको ऐसे फैला दीजिए, और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालिए और इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि नूडल्स खिले खिले रहें। ये नूडल्स का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। अब हम चिली पेस्ट बनाने के लिए पानी लेंगे, उसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा विनेगर, विनेगर डालने से क्या होता है आपका जो चिली होता है वो काफ़ी जल्दी पक जाता है। हमने पानी में विनेगर डाल दिया, जैसे ही पानी में उबाल आए हम उसमें डाल देंगे ये ड्राई चिलीज। अब इसका स्पाइसीनेस कम करने के लिए इसके बीज भी निकाल सकते हैं, इसको कम से कम 10 से 15 मिनट उबालें ताकि ये जो चिलीज है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद फिर इसे हम ब्लेंड करेंगे। हम एक पैन लेंगे, हम उसमें डालेंगे काफ़ी सारा ऑयल और उसमें हम जो चिली पेस्ट बनाए उसको ट्रांसफर कर देंगे। इसको कुक कीजिए अच्छे से। अब इसे 10 मिनट तक कुक कीजिए और ये जो आपका चिली पेस्ट है कम से कम एक महीना फ्रिज में रह सकता है। चिली पेस्ट हो गया रेडी। अब हम नूडल्स की तैयारी करेंगे। नूडल्स बनाने के लिए हमने पैन में ऑयल ले लिया है, फिर हम इसमें डालेंगे स्लाइस किए हुए प्याज, इसको थोड़ी देर भूनेंगे, फिर इसमें डालेंगे बेल पेपर्स, आप चाहे तो कोई भी कलर का बेल पेपर डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें जूलियंस कटे हुए कैरेट्स, इसको भी थोड़ी देर सौते कीजिए, फिर हम डालेंगे इसमें थिन स्लाइस कटे हुए कैबेज, इसको भी अच्छी तरह मिलाइए। अब चाइनीज में जितना सौते करेंगे उतना अच्छा होता है। अब हम डाल देंगे इसमें हमारे हाका नूडल्स, देखिए काफी खिले खिले हैं। अब हम डालेंगे इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा व्हाइट पेपर, हल्का सा ब्लैक पेपर, और हम इसमें डालेंगे एरोमेटिक मिक्स जो कि चाइना सॉल्ट का अल्टरनेटिव है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चाइना सॉल्ट तबीयत के लिए कितना ख़राब होता है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें डालेंगे लाइट सोया सॉस, थोड़ा सा शुगर, इसे अच्छी तरह मिलाइए। शुगर क्या होता है, आपका जो भी आप थोड़ा स्पाइसी आइटम बनाएंगे उसमें थोड़ा अगर शुगर डाल देंगे वो काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है स्पाइसीनेस को, तो आप थोड़ा सा शुगर डालिए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा टमाटो सॉस और
हमारा जो चिली पेस्ट है हम इसमें से थोड़ा सा डालेंगे, ये काफ़ी ही ज़्यादा स्पाइसी है तो इसमें से थोड़ा सा हम डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा फूड कलर, हमने पानी में मिलाया हुआ है ताकि ये एक जगह ना रह जाए, ये अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए। इसको अच्छी तरह सौते कीजिए, जैसे इसका नमक मसाला सब मिल जाए। आपके पास अगर वॉक है, वॉक में काफी अच्छा बनता है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हमारा जो टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो कि सेजवान नूडल को बहुत ही एनहांस करता है, वो है स्टार एनीस। अब यकीन मानिए, इसका थोड़ा सा पाउडर आप डालिए, आपका जो सेजवान नूडल है वो एक टॉप लेवल पर पहुंच जाता है। मैं आपको ये 5 स्टार का रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। इसको थोड़ा सौते कीजिए। और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। एंड एंजॉय।